दोस्तों, हमें जीवन में माफ़ कर देना चाहिए उन लोगों को जिनको हम भूल नहीं सकते हैं, और भूल जाना चाहिए उन लोगों को जिनको हम माफ़ नहीं कर सकते हैं। जीवन में खुश रहने का यही एक सरल तरीका है। नमस्कार, मेरा नाम राम प्रकाश ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश से। आज जो होता है अच्छे के लिए नहीं बल्कि बहुत अच्छे के लिए होता है, उसका पार्ट नंबर 9 लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन के बगल में बेल आइकन है, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले टाइम में आपको महत्वपूर्ण वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय पर मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इसको मैं कहानी के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि जो होता है अच्छे के लिए नहीं बल्कि बहुत अच्छे के लिए होता है। उससे पहले बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि सर, क्या आप भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं? तो दोस्तों, मेरा उत्तर है कि हाँ, मैं भगवान के ऊपर पूरा पूरा भरोसा करता हूँ। अब इसको मैं डिटेल में आपको एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। कहानी को दोस्तों पूरा सुनिएगा, और लास्ट में जब हम इस कहानी का निष्कर्ष निकालेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि सचमुच जो होता है अच्छे के लिए नहीं बल्कि बहुत अच्छे के लिए होता है। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक चोर आदमी की। एक चोर होता है जो गांव में चोरी करने गया होता है, और चोरी करते करते गांव वाले उसको देख लेते हैं। जैसे गांव वालों ने देखा तो मिल करके चोर के पीछे भागते हैं। चोर आगे आगे भाग रहा है, गांव वाले बहुत सारे लोग पीछे से, और चलते चलते आगे एक सत्संग चला होता है, और सत्संग में चोर अपनी जान बचाने के लिए उस भीड़ में घुस जाता है। अब चोर सत्संग तो नहीं सुनना चाहता था, परंतु उसकी मजबूरी होती है कि उसको सत्संग में बैठना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो खड़ा भी नहीं हो सकता, अगर खड़ा होगा तो गांव वाले उसको पहचान लेंगे। अब सत्संग में जो आगे पंडित होते हैं, पंडित जी कृष्ण के बारे में कहानी सुना रहे होते हैं कि कृष्ण का जो जीवन था वो एक ऐसा जीवन था जिसको बोलता ही नहीं था। सबसे पहले खुद के ऊपर इंप्लीमेंट करता था, उसके बाद बोलता था। और उसके पास सोने की कोई कमी नहीं थी, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, उसका एक जीवन था सबसे खुशहाल और सीख देने वाला जीवन था। अब चोर वहां पे बैठा है और चोर अपने नजरिए से सत्संग को सुन रहा होता है, और जैसे सत्संग खत्म हुआ और खत्म होते ही चोर के मन में आया, क्यों ना भगवान श्री कृष्ण को ही लूटा जाए। सत्संग खत्म होते ही वो चाकू निकालता है अपना, और मंच पे जाकर के पंडित जी के गले में चाकू रख देता है और कहता है कि बताइए श्री कृष्ण कहाँ मिलेंगे। अब पंडित जी घबरा रहे होते हैं, और घबराते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण मिलेंगे यहाँ से, आप जंगल के रास्ते में से जाओ, जंगल में गोपियां मिलेगी आपको, गोपियों से उनका रास्ता पूछना, और वहां पे आगे द्वारिका आएगी, द्वारिका में श्री कृष्ण भगवान आपको मिलेंगे। और वो पंडित झूठ बोल देते हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ एक कहानी सुना रहा था श्री कृष्ण भगवान की। तो दोस्तों, चोर उसकी बातों को सच मानता है और निकल पड़ता है श्री कृष्ण की तलाश में। तो चलते चलते वो पंडित की सारी बातें याद करता है, और उसको जो सत्संग में सुनाई होती है बातें कि श्री कृष्ण बांसुरी बजाता था, श्री कृष्ण गोपियों के बीच में रहता था, वो सारी बातें उसको याद आती हैं। और जंगल के रास्ते में से जा रहा होता है, और वहां पे कुछ लड़कियां गाय भैंस चराने के लिए जंगल में आई होती हैं। अब चोर को लगता है कि मैं सही रास्ते पे हूं, और उन लड़कियों को पूछता है कि श्री कृष्ण कहां मिलेंगे। चोर के हाथ में चाकू होता है, और लड़कियां चाकू देख करके घबरा जाती है, और उसको कहती है कि यहां से आप आगे जाओ, आगे आपको बांसुरी की आवाज सुनाई देगी, और अगर बांसुरी की आवाज सुनाई दी तो समझो आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो चोर उनकी बातों को भी सच मान लेता है, और चलते चलते आगे एक आदमी होता है और वो बांसुरी बजा रहा होता है। वो अपने शौक के लिए ऐसे बांसुरी बजाता है, और वो सोचता है कि मैं सचमुच ही सही रास्ते पर हूं और श्री कृष्ण के पास पहुंचने वाला हूं। और दोस्तों, चलते चलते आगे थोड़ी देर के बाद वो द्वारिका में पहुंच जाता है, और द्वारिका में जैसे पहुंचा आसपास बहुत सारे लोगों को देखता है। कुछ लोग फूलों की थाली लेकर के जा रहे हैं, कुछ लोग वहां पे सफाई कर रहे हैं, तो वो सोचता है कि सचमुच यहाँ पे श्री कृष्ण है। और मेन कक्ष की तरफ बढ़ता है, वहां पे एक पुजारी होता है, और पुजारी को भी कहता है कि श्री कृष्ण कहाँ मिलेंगे। पुजारी कहता है अंदर चले जाओ, अंदर श्री कृष्ण जी मिलेंगे आपको। पुजारी सोचता है कि भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त है, और जैसे वो अंदर जाता है श्री कृष्ण बैठे होते हैं अपने कक्ष में, और जाते ही श्री कृष्ण के गले में चाकू रखता है और कहता है कि मैं आपका ये सोना लूटने आया हूं, मैं चोर हूं, छोटी छोटी चोरी करके थक गया हूं, और आज मैं एक बार में बहुत सारा सोना चुराना चाहता हूं। अब श्री कृष्ण बोलते हैं कि जितना मर्जी उतना ले जाओ, यहां पे तो कोई कमी नहीं है, जो जो आप ले जाना चाहते हैं ले जाइए। और चोर के पास एक कपड़ा होता है, उस कपड़े को नीचे रखता है, और उसमें से जितना सोना आता है उस कपड़े में डाल देते हैं। डालने के बाद उस कपड़े को बांधता है, और बांधने के बाद उस कपड़े को उठा के बाहर निकल रहा होता है। उतने में पीछे से आवाज आती है, रुकिए,
चोर मुड़ करके देखता है, भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तू ये जो सोना ले जा रहा है इसका करेगा क्या? तो चोर कहता है कि मैं इसको बाजार में बेचूंगा, बेचने के बाद ऐशो आराम का जीवन जीऊंगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर तू चोरी करता रहा तो ऐशो आराम का जीवन कैसे जी पाएगा? तो चोर कहता है कि दोबारा चोरी करूंगा। तो श्री कृष्ण बोलता है कि ये सिलसिला कब तक चलेगा, ये जो सोना ले जा रहा है कटी हुई घास कब तक काम आएगी, ये कब तक तेरे काम आएगा, उसके बाद तुझे दोबारा चोरी करनी पड़ेगी। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अगर तू खुशहाल जीवन जीना चाहता है तो चोरी करने के बजाय अच्छे काम करना शुरू कर दे। अगर तू अच्छे काम करेगा तो धन दौलत तो तेरे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और दोस्तों ये बातें सुनकर चोर के मन में अचानक से पॉजिटिव फीलिंग आती है। वो जो कपड़ा उठाया होता है सोने का, उसको श्री कृष्ण के चरणों में रख देता है और श्री कृष्ण के चरणों में पड़ता है और कहता है क्या वाकई में मैं अच्छे कर्म करके पैसे कमा सकता हूँ? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अच्छा काम करता हो और पैसे ना कमाता हो, उसका साथ मैं भी देता हूँ। तो दोस्तों चोर चोरी करना छोड़ देता है। अब श्री कृष्ण का थैंक्स करता है और सबसे बड़ा थैंक्स करना चाहता है उस पंडित का जिसने सत्संग में उसको श्री कृष्ण तक पहुंचने का रास्ता बताया था। और चोर उस पंडित से मिलने चल पड़ता है और चलते चलते रास्ते से जा रहा होता है पंडित से मिलने, तो सामने से इत्तफाक से पंडित उसी रास्ते से आ रहे थे जिस रास्ते से चोर जा रहा था। और पंडित उस चोर को देखता है, चोर पंडित को देखता है, दोनों की एक दूसरे से नजरें मिलती है और पंडित के मन में भाव आता है कि इसको श्री कृष्ण तो मिला नहीं होगा और अब ये मुझे मार देगा, मेरा कीमा बना देगा। तो चोर उसको देख करके बोलता है पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से मुझे भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन हो गए। और पंडित जी वहां से भाग जाता है। और जब उसको भागता हुआ देखता है तो चोर हैरान हो जाता है कि यार ये क्यों भाग रहा है, आगे आगे पंडित जी भाग रहे हैं और चोर पीछे पीछे भाग रहा है। पंडित को लगता है श्री कृष्ण भगवान इसको नहीं मिले, ये मुझे अभी क्या कर देगा, मार देगा। और दोस्तों आगे आगे पंडित पीछे पीछे चोर, आगे आगे पंडित पीछे पीछे चोर, चलते चलते आगे पंडित जी को ठोकर लगती है और वो नीचे गिर जाते हैं। जैसे वो नीचे गिरता है खड़ा होने वाला होता है और उतने में चोर भी पहुंच जाता है और उसके पांव पड़ता है, कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे कृष्ण तक जाने का रास्ता बताया। अब पंडित जी बोलता कि भाई अगर मुझे मारना हो तो अभी मार दो, क्यों? क्योंकि मुझे पता है तुझे कृष्ण तो मिला नहीं है और मैंने तो तेरे साथ झूठ बोला था। और चोर कहता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके आया हूं, चलो आपको भी दर्शन करवाते हैं। तो पंडित बोलता है कि भाई मुझे यहीं पर मार दे, इतनी दूर ले जा करके द्वारिका में ले जा करके क्यों मारना चाहता है, क्योंकि पंडित को विश्वास ही नहीं होता कि उसको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। और उसको साथ में पकड़ करके वो भगवान श्री कृष्ण के पास ले जाता है और पंडित सोचता है कि ये मुझे द्वारिका में ही जा करके मारेगा। और चलते चलते दोस्तों द्वारिका में पहुंच जाते हैं और द्वारिका में जैसे ही वो श्री कृष्ण जी के पास पहुंचते हैं तो वो कहता है भगवान श्री कृष्ण जी देखो ये पंडित जी कहते हैं कि मुझे आपके दर्शन नहीं हुए, इनको भरोसा नहीं हो रहे। और पंडित सोचता है कि ये जो चोर है ये पागल हो गया है, क्यों? क्योंकि वहां पे तो एक इमेज थी, मूर्ति थी, वो मूर्ति से बातें कर रहा है। और भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए चोर से कहते हैं कि वाकई में इसको मैं एक इमेज दिखाई दे रहा हूं, इसको मेरे दर्शन नहीं हो सकते। चोर कहता है भगवान क्यों? भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं तू मेरे पास सच्चे दिल से आया था, मैंने तुझे दर्शन दे दिए, अब ये जो पंडित जी है ये अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए और अपने इनकम के लिए सत्संग सुनाता है, सही मायने में मुझे पूरे दिल से ये नहीं मानता है। चोर भगवान श्री कृष्ण जी से कहता है कि भगवान जी पंडित जी की वजह से तो मैं यहां तक पहुंचा हूं, मेरी चोरी छूटी है, अब अगर आप इस पंडित जी को दर्शन नहीं देंगे तो इनको विश्वास नहीं होगा कि आपकी वजह से मेरी चोरी छूट गई है, तो आप एक बार कृपया इनको अपने दर्शन दे दीजिए। और भगवान श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराते हैं और अपने दर्शन उस पंडित को भी दे देते हैं। जैसे पंडित को दर्शन देते कहते हैं कि हाँ जी पंडित जी आप जो सत्संग सुनाते थे वहां पे अपनी इनकम के लिए सत्संग सुनाते थे या मुझे दिल से मानते थे? पंडित जी सच कहते हैं भगवान कि नहीं मैं आपको दिल से नहीं मानता था, क्योंकि मैं सोचता था ये तो कहानी है, भगवान श्री कृष्ण कहाँ होंगे इस दुनिया में, तो मैं आपको नहीं मानता था। अब उन दोनों को दर्शन होते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी उनको कहते हैं कि जीवन में अच्छा काम करो और अच्छे काम करेंगे तो हमेशा आपको सद्बुद्धि मिलेगी, पैसा आपकी तरफ ऑटोमेटिकली, धन दौलत आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आपको पैसा मिलेगा। दर्शन करने के बाद अब दोनों पंडित और चोर चले जाते हैं, शाम के टाइम उनका एक सत्संग होता है और सत्संग में पंडित जी यही बात सुनाते हैं कि हम आज श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करके आए हैं और मेरा छोड़ो यहाँ पे एक चोर था जो चोरी करता था, ये एक बहुत बड़ा आदमी बना है और इसने निर्णय लिया कि भविष्य में पुजारी बनेगा, हमारे सत्संग में लोगों की सेवाएं करेगा। तो
तो वहां पे लोग सत्संग सुन रहे होते हैं, उन लोगों को भरोसा नहीं होता इस बात का कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। तो बीच में एक नाई होता है, वो खड़ा होकर के प्रश्न पूछता है कि पंडित जी आप प्रूव कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन आपको कैसे हुए। तो पंडित जी कहते हैं कि सचमुच ही पहले चोर को दर्शन हुआ है भगवान श्री कृष्ण के, इसकी चोरी छूट गई है, उसके बाद मुझे दर्शन दिए भगवान श्री कृष्ण ने। परंतु वो नाई उस बात को नहीं मानता है, सत्संग खत्म हो जाता है और अंत तक सभी लोग वहां से चले जाते हैं, पर नाई बोलता है कि मुझे भरोसा दिलाइए कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन आपको कैसे हुए। अब दोस्तों चोर जगह जगह चोरी करने जाता था, चोर पंडित जी को कहता है कि पंडित जी मैं प्रूव कर सकता हूं इसको कि हमें भगवान के दर्शन हुए। पंडित जी कहता है कि कैसे, चलो मेरे साथ। उसको व्यक्ति को ले जाते हैं, नाई को कहता है कि तेरा जो सलून का सामान है उस सामान को साथ में ले चल, तुझे एक गांव में हम कटिंग करने के लिए भेजते हैं। और चोर पहले ही उस गांव में चोरी करने गया था एक बार, उसने उस गांव के हालात देखे थे कि उस गांव में कटिंग और शेव करने की कोई प्रथा ही नहीं थी, उस गांव में कोई भी व्यक्ति कटिंग और शेव नहीं करता था। उस नाई को कहते हैं वो कि तू चला जा गांव में किसी भी घर में किसी एक व्यक्ति की कटिंग करके वापस आ जा। और नाई खुश होकर के अपना सलून का बैग उठाता है और चलते चलते एक आदमी के पास जाता है और आदमी को देखता है कि लंबे लंबे बाल, लंबी लंबी दाढ़ी, उसने कटिंग नहीं की होती है, और कहता है कि मैं नाई हूँ, मेरे सलून की शॉप है और मैं आपके बाल काटना चाहता हूँ। और वो आदमी कहता है कि तू मेरे बाल क्यों काटना चाहता है, जब हम खुद अपने बाल नहीं काटते तो तू क्यों काटेगा। वो कहता है कि मैं नाई हूँ क्योंकि मेरा काम बाल काटना है लोगों के। वो व्यक्ति कहता है कि नाई क्या होता है। वो बोलता है नाई वो होता है जो दूसरों के बाल काटता है, और उसको जोर से थप्पड़ मारता है, बोलता है तू मेरे बाल काटेगा, चला जा, भाग जा यहाँ से। और वो नाई वहाँ से चला जाता है दूसरे घर में, और दूसरे घर में एक और व्यक्ति होता है और उस व्यक्ति के पास जाता है, उसकी हालात भी वही देखता है, लंबे लंबे बाल, लंबी लंबी दाढ़ी, उसने भी बाल नहीं काटे होते हैं, और कहता है कि मैं आपकी दाढ़ी बनाना चाहता हूँ, शेव करना चाहता हूँ। तो वो बोलता है कि क्यों करना चाहते हैं, बोलता है कि मैं नाई हूँ। वो व्यक्ति भी कहता है नाई क्या होता है, बोलता है कि बार्बर हूँ, बार्बर। बोलता है बार्बर क्या होता है, बोलता है मेरी सलून की शॉप है। बोलता है ये सलून की शॉप होता क्या है। अब वो तीसरे व्यक्ति के पास जाता है और उसको भी कहता है कि मैं आपके बाल काटना चाहता हूँ। वो कहता है कि क्यों काटना चाहता है तू मेरे बाल। वो कहता है कि मैं नाई हूँ, मेरी सलून की शॉप है। वो व्यक्ति भी कहता है नाई क्या होता है। और दोस्तों ऐसा करते करते वो चौथे आदमी के पास जाता है, पांचवें आदमी के पास, गांव के आखिरी घर तक पहुंच जाता है, और आखिरी घर में एक आदमी मिलता है उसको, उसको कहता है कि मैं आपके बाल काटना चाहता हूँ, मैं नाई हूँ। वो आदमी बोलता है कि यहाँ से भाग जाए या तो तुझे थप्पड़ पड़ेंगे, तू हमारे बाल क्यों काटना चाहता है। वो बोलता है कि मेरी सलून की शॉप है, मेरा काम ये है, मैं हज़ारों लोगों के बाल काट चुका हूँ अभी तक। उसको गुस्सा आता है, उसको भी वो थप्पड़ मारता है और उसकी पिटाई करता है। वहाँ पे बहुत सारे लोगों की मार खाने के बाद निराश होकर के नाई उस गाँव से आता है और सामने पंडित जी और वो चोर खड़े होते हैं। वो पंडित जी और चोर के पास कहता है कि इन लोगों को तो पता ही नहीं है कि नाई क्या होता है। तो चोर कहता है कि एग्जैक्टली यही तो हम तुझे समझाना चाह रहे थे। अब जैसे इन लोगों को यहाँ पे नहीं है पता कि नाई क्या होता है, क्योंकि इन्होंने नाई के बारे में नॉलेज ही नहीं लिया है, क्योंकि इनको पता ही नहीं है नाई होता क्या है, ठीक उसी तरह आपको भी पता ही नहीं है कि भगवान होता क्या है, भगवान के बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है। ठीक उसी तरह दोस्तों जिन्होंने प्रकृति के नियम पढ़े हैं, यूनिवर्सल लॉज पढ़ा है, जिन्होंने जीवन के पूरे नियम पढ़े हैं, उनके लिए जो होता है अच्छे के लिए नहीं होता बल्कि बहुत अच्छे के लिए होता है, वो सत्य है। जिन्होंने लॉ ऑफ नेचर नहीं पढ़ा है, यूनिवर्सल लॉज नहीं पढ़ा है, लॉ ऑफ लाइफ नहीं पढ़ा है, उसके लिए जो होता है अच्छे के लिए नहीं बल्कि बुरे के लिए होता है। अब सवाल आता है कि चलो इसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है या बुरे के लिए होता है, जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घट रही है, परंतु जो चीज़ें आपके साथ ऑलरेडी घटित हो चुकी है क्या आप उन चीज़ों को वापस ला सकते हैं। अल्टीमेट हमारा जीवन का एक ही पर्पज है, वो है खुशहाल और शांतिपूर्ण ढंग से जीवन को व्यतीत करना। व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। सबसे पहले मोरल को कंक्लूड करते हैं दोस्तों, जो मैंने आपको कहानी सुनाई। पहला मोरल इस कहानी का ये था कि जब चोर सत्संग में बैठा तो बैठना नहीं चाहता था, उसकी मजबूरी थी। बैठने के बाद जैसे सत्संग सुनाया जा रहा था वैसे उस सत्संग को उसने नहीं सुना, उसने अपने लालच और अपनी सोच के अनुसार सत्संग को सुना और उसके मन में एक ही आइडिया आया कि क्या सुन रहा था कि मुझे श्री कृष्ण को लूटना है।
ठीक उसी तरह हजारों लोग इस दुनिया में अच्छे अच्छे सत्संग सुना रहे हैं, लाखों लोग इस दुनिया में अच्छा काम भी कर रहे हैं, परंतु जब सत्संग में लोग बैठते हैं, जब अच्छी बातें सुनते हैं, तो लोग जो बातें वो आदमी फीलिंग के साथ बताना चाहता है वो नहीं सुनते हैं, वो सिर्फ वही सुनते हैं जो उनके लालच और फायदे की बातें होती है, और अपना अपना नजरिया होता है। फिर हम कहते हैं कि हमने तो ये सत्संग ज्वाइन किया, हमने तो इतनी वीडियो सुन ली है पॉजिटिव, मेरे जीवन में तो फर्क नहीं पड़ा। तो सही मायने में इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने आप के ऊपर काम करना पड़ेगा, जो जड़े हैं नॉलेज की उसको आपको मजबूत बनाना पड़ेगा। दोस्तों इस कहानी का दूसरा मोरल है, जब वो चोर किसी के झूठ को सच मान करके भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा, उसके ऊपर उसने पूरी ऊर्जा लगाई बिना किसी फिल्टर को लगाए हुए, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको दर्शन दे दिए। दर्शन देने का अच्छे व्यक्ति का उसको फायदा ये हो गया, तो उसकी चोरी करने की जो बुरी आदत थी वो खत्म हो गई। मतलब अगर आप नेगेटिव काम करते हैं, अच्छे आदमी के संपर्क में आते हैं, अगर उसकी शक्ति या एनर्जी आपके ऊपर आ जाती है तो आपकी बुराई वहां पे खत्म हो जाती है। दोस्तों तीसरा मोरल इस कहानी का ये है कि जब पंडित ने चोर को झूठ बोला था कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे आपको, तो पंडित अपने स्वार्थ के लिए और अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए वो सत्संग सुना रहा था, परंतु उसका जो टॉपिक था वो सकारात्मक था, जिसकी वजह से उसको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो गए। मतलब अगर आप अपने स्वार्थ के लिए कोई काम कर रहे हैं, अपने परिवार के जीवन यापन के लिए कोई काम कर रहे हैं, टॉपिक आपका सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, फिर भी आपको उसका फायदा मिलता है। चौथा मोरल दोस्तों इस कहानी का, कभी भी हमें अपनी बात पर अड़िक नहीं रहना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। दोस्तों इस दुनिया में जो भी चीज़ जिंदा है, पेड़ पौधे कोई भी ले लो, वो सारे के सारे फ्लेक्सिबल है, और सूखा पेड़ ले लो वो स्टैंड रहता है, वो दूसरे की बात नहीं मानता, एक ठूंठ की तरह होता है, वो सिर्फ लकड़ी जलाने के काम ही आती है, वो कभी ना तो ऑक्सीजन देती है, ना तो फल देती है, ना तो फूल देगी। दोस्तों हमें फ्लेक्सिबल पेड़ की तरह बनना चाहिए, अगर हम फल नहीं दे सकते हैं, फूल नहीं दे सकते हैं, तो ऑक्सीजन तो कम से कम लोगों को मिलेगी, इसलिए हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब चौथा मोरल ये था कि जब नाई उनकी बात को नहीं मान रहा था कि आपको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, बार बार कह रहा था कि आपको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, तो अंत में उस नाई को उसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। पांचवा और अंतिम मोरल दोस्तों इस कहानी का ये है कि जब नाई उस गांव में बाल काटने के लिए गया था उन लोगों के, तो उन्होंने उसको पीट करके वहां से भेजा था, और नाई ने कहा कि इन लोगों को तो पता ही नहीं है कि नाई क्या होता है। ठीक उसी तरह दोस्तों जब हमें किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती है, किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, वो चीज़ हमारे लिए असत्य होती है। आपको भी बचपन से लेकर के आज तक अगर जंगल में रखा होता है, अगर आपको शीशा दिखाते तो अपनी शक्ल देख करके पहली बार आप डर जाते कि ये कौन आ गया सामने। अगर आपको बचपन से लेकर के आज तक कोई कंप्यूटर टीवी एलईडी के बारे में नहीं बताया होता, तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन से आप घबराते और उस इन्फॉर्मेशन को आप सच नहीं मानते। ठीक जो होता है अच्छे के लिए नहीं बल्कि बहुत अच्छे के लिए होता है। जिन लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नॉलेज नहीं है दोस्तों, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप यूनिवर्सल लॉज को जरूर स्टडी कीजिए, लॉ ऑफ नेचर को जरूर स्टडी कीजिए, उसके बाद ताकि आप अपने जीवन में खुश रह सके, अपने जीवन को सकारात्मक दिशा दे सके। दोस्तों इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप आस्तिक है या नास्तिक है, अल्टीमेट पर्पज हमारा क्या है, जीवन में खुशहाल रहना, संतुष्ट रहना और शांतिपूर्ण ढंग से अपने जीवन को बिताना। दोस्तों 84 लाख जीव जंतु और भी है, वो जीवन आपको नहीं मिला इस दुनिया में, भगवान ने कितनी सुंदर क्रिएशन बनाई है, इंसान जिसको बोलने और सोचने की क्षमता दी है। आप किस भी हाल में होंगे, कैसे भी हाल में होंगे, कृपा करके अपने बोलने और सोचने की क्षमता का सही इस्तेमाल करें और सकारात्मक दिशा में चलते हुए सकारात्मक रास्ते को ढूंढने की कोशिश कीजिए। एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों, वादा है आपके इस दोस्त का, आपके जीवन में खुशहाली जरूर आएगी, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा अगर आज से भी आप अपने जीवन में सकारात्मक दिशा में काम करना शुरू करते हैं तो। और अब दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था कि आप भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं, तो मैंने कहा था हाँ मैं भगवान के ऊपर भरोसा करता हूँ। दोस्तों मैं भगवान के ऊपर इसीलिए भरोसा करता हूँ, कहते हैं ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के, ले जाता है तो फर्श उखाड़ के, बिना ऊपर वाले की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता है। तो इसीलिए हमें यूनिवर्सल लॉज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो 84 लाख जीव जंतुओं का जीवन भगवान ने अन्य प्राणी को दिया है वो मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं तो दोस्तों थैंक्स करता हूँ भगवान का कि मुझे मनुष्य जीवन मिला है। और दोस्तों भगवान का एक ही पर्पस है इस धरती को, इस सृष्टि को स्वर्ग बनाना। उस स्वर्ग बनाने की भगवान की प्लानिंग में अगर मेरा 0.1% भी
कंट्रीब्यूशन जाएगा सकारात्मक सोच लेकर के, तो मैं समझूंगा कि मेरा इस दुनिया में आने का जो पर्पज है वो पूरा हो गया। इसलिए दोस्तों मेरा मानना है जो होता है अच्छे के लिए नहीं बल्कि बहुत अच्छे के लिए होता है, और इस बात पर मेरा स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम है, ऊपर वाला जो करेगा उसकी मर्जी है दोस्तों, वही पालनहारा है, वही करता वही धरता सब कुछ वही है, वही करेगा जो भी करेगा। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ कर्म करना। भगवान ने अगर सोचने और बोलने की क्षमता मुझे दी है, आपको दी है, उस बोलने और सोचने की क्षमता का सकारात्मक रास्ते में सही दिशा में हम इस्तेमाल करें। बाकी सारी चीजें हमने तो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दी है दोस्तों। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर एक कमेंट मुझे नई चीज़ें सीखने के लिए प्रेरित करता है, ताकि भविष्य में मैं इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आप तक ला सकूं। जब तक नई वीडियो नहीं आती दोस्तों, तब तक यूं ही चैनल के साथ बने रहिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।